त्यानंतर आपण थेट जाणार आहोत संजय राऊत बोलतायत तिथे. आमच्याकडे संस्कार आहे कोणाच्या कुटुंबापर्यंत जायचं नाही आणि कोणाच्या कमरेखाली वार करायचं नाही. आम्ही तो केला नाही, सुरुवात तुम्ही केली आहे, तरी आम्ही संयम बाळगतो आहे. पण परदेशामध्ये पैसे कोण स्वीकारत होतं धमक्या देऊन, हे सुद्धा आता हळूहळू बाहेर येईल. पण आधी या प्रकरणाचा निकाल लागतो. त्यांना करू द्या ना, कंबर त्यांचीच मोडणार आहे. देखिए बात ऐसी है भाई, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई है, वो न्यायालय का मामला है, कानून का मामला है. हमारे जैसे लोग जिनके ऊपर हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के संस्कार है और जिस पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, हमने तय किया है कि बिलो द बेल्ट घाव नहीं मारेंगे और किसी के फैमिली तक नहीं पहुंचेंगे. ये हमने हमारे ऊपर संस्कार है और राजकीय बदले के भावने से कोई हमले नहीं करेंगे. लेकिन ये शुरुआत इस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने की. फिर भी मैं कहता हूँ INS विक्रांत का मामला ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है. एक रिटायर आर्मी ऑफिसर ने FIR लॉन्च किया, उसके बाद ये एक्शन हुआ. तो बात सामने आई है कि हजारों नहीं तो करोड़ों रुपया जमा किए हैं. अब चोर तो बोलेगा मैंने चोरी नहीं की, पहला बोलता है, बोलता है मैं चोरी की लेकिन बहुत कम चोरी की. लेकिन चोरी ही चोरी है ना, चाहे एक रुपया हो चाहे चार आना हो. कानून वही है जो 5000 करोड़ के लिए, वही कानून 500 रुपये की चोरी के मामले. तो चोरी की है तो कानून अपना काम करेगा. आप कितने दिन भागते फिरे थे, आप दूसरों को बहुत सलाह दे रहे थे कानून का सामना करो, डरो मत, हाँ कानून आपको छोड़ेगा नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं. तो ठीक है, पर आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो, आप कहाँ छुप गए हो, आइए सामने प्रकट होइए. आप तो भगवान है, आप प्रकट हो जाइए. लेकिन आप इसलिए छुप रहे कि आपने चोरी की है और आपके चोरी को छुपाने के लिए आपकी पार्टी आपके पीछे खड़ी है. उससे भारतीय जनता पार्टी का भी पूरी तरह से वस्त्रहरण हुआ है, इतना ही मैं कहता हूँ. ये तो एक छोटी सी बात है विक्रांत वाला, आने वाले दिन में पता चलेगा. ये सभी जो माफिया टोली है ना, ये BJP स्पॉन्सर्ड, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ BJP का कोई रिश्ता है. इस मामले में फॉरेन में किस तरह से पैसा जमा करते थे, यहाँ धमकी देना है और थाईलैंड बैंकॉक में पैसा जमा करना है, ये सब आ जाएगा. अभी ये सब आ जाएगा. आप कितने महात्मा है, दूध के धुले है, ये आप सब आ जाएगा. जल्दी ही मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ. नहीं अभी छोड़ दीजिए, आप सामना दिखा दीजिए. सर आज मनसे जी उत्तर सभा है. सर आज मनसे जी उत्तर